हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज मैं एक कमाल का आर्टवर्क बना रहा हूँ, सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ आर्टवर्क बना रहा हूँ जो कि काफ़ी सिंपल थे, लाइक एनिम्स, कार्टून्स और जो भी मेरे 100 डेज चैनल के लिए। लेकिन अभी मैंने एक काफ़ी कमाल की इमेज देखी और मैं उसके प्यार में पड़ गया, एंड आई डिसाइडेड टू मेक दिस, और यही मैं आज बना रहा हूँ। दिस आर्ट वर्क इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई डोंट केयर। मुझे इसे बनाना था और मैं बनाऊँगा। मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मुझे 3 साल हो चुके हैं वीडियोज़ अपलोड करते हुए, लेकिन आज तक मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं वीडियोस तो बनाता हूँ लेकिन कुछ खास नहीं थे। टाइम लैप्स वीडियोस, स्केचिंग वीडियोस, म्यूजिक के साथ बस। लेकिन आज मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि मैं साथ साथ आर्टवर्क बनाने के साथ ही एक स्टोरी बताऊँ। स्टोरी, मेरी स्टोरी, जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टवर्क आप तो देख ही रहे हो, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसे कुछ और करूँ और कुछ और एक्सप्लोर करूँ। और दिस टाइम मैं वही कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक इट एंड लेट्स स्टार्ट दिस फॉर नाउ। मैं थक गया था और पक भी गया था, सारी वीडियोस अपलोड करके भी सब्सक्राइबर्स 400 सब्सक्राइबर्स। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरी आर्ट की हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड आई थिंक आई एम डूइंग दैट। लेकिन मैं समझ गया था बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और आपको अगर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ आर्ट आने से कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्या चाहिए? बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपको आर्ट आना चाहिए, आपको वीडियोग्राफी आनी चाहिए, फोटोग्राफी आनी चाहिए, सोशल मीडिया ऑपरेट करना आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं आता था। नहीं आता तो क्या हुआ, सीख लेंगे, सीखने का तो वक्त है। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी 3 साल की इस YouTube की जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, पेंटिंग के साथ ही उसका वीडियो बनाना, उसके फ़ोटोज़ बनाना, पोस्ट करना, वीडियो में कुछ अलग अलग एलिमेंट्स ट्राई करना, मैं आज तक सीख रहा हूँ। लेकिन ये 3 साल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी कुछ सीखा, गिरे उठे, फिर से गिरे, फिर से उठने की कोशिश की, बहुत कुछ चीज़ें की, लेकिन एक चीज़ नहीं की, वो था रुकना। मैं कभी नहीं रुका 3 सालों में। जब भी वक्त मिला मैंने काम किया, मैंने वीडियोस बनाई, एडिट की, अपलोड कर दी। हाँ, स्किल्स कम थे लेकिन अभी वो इम्प्रूव हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस देख लिए, बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता रहता हूँ। वीडियोस कैसे एडिट करनी है वो देख रहा हूँ, वीडियोस कैसे शूट करनी है वो देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश हर रोज़ करता रहता हूँ। और वही मैंने देखा है वीडियोस में, बहुत सारे पुराने वीडियोस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अलग है आज के वीडियोस से, इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन असली इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे आर्ट में। 2-3 साल पहले जो मैं आर्ट वर्क्स बनाता था और आज जो मैं आर्ट वर्क्स बनाता हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अभी वही इम्प्रूवमेंट मुझे मेरे वीडियोस में लानी है, वीडियोस के शूटिंग के तरीके में लानी है, एडिटिंग में लानी है, वॉइस में लानी है, और वही मैं करना चाहता हूँ। इसे यही होगा, हर एक वीडियो पहले की वीडियो से बेटर होगी, अच्छी होगी।
वीडियो शूट करने के तरीके बदलने वाले हैं, वीडियो एडिट करने के तरीके बदलने वाले हैं। तो बस थोड़ी और देर और हम हमारे सक्सेसफुल रूट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। सो जो भी लोग अब तक मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, हर एक लाइक हर एक कमेंट जो आप लोगों ने किया है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ। और इससे आगे इससे भी कमाल की चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो टू द फ्रेंड्स। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @VikrantKambleArts। आई पोस्ट देयर एवरी डे एवरी वीक। यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माई आर्ट वर्क्स। और मैं जो भी काम कर रहा हूँ and now enjoy the reveal of this beautiful artwork. Let's see.